मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि आज उद्धव ठाकरे आने वाले हैं मुंब्रा शहर में और दमकल विभाग कार्यालय जहां है वहां पर देखेंगे आप, यहां उद्धव ठाकरे के लिए मंच जो है बनाया जा रहा है। यहीं पर उद्धव ठाकरे आएंगे और यहां से वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यहां पर उद्धव गुट के कार्यकर्ता और एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। उद्धव गुट के जो है सर क्या बताना चाहेंगे, आज उद्धव ठाकरे का मुंब्रा में आ रहे हैं वो, आप लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, शाखा का जो मामला चल रहा है। देखिए आपको तो पता है शिवसेना की शाखा किसकी थी और किसकी है। अभी 15 महीना हो गया कोई उधर आया नहीं, 15 महीना हो गया ना, ये जून 2022 में सब जो हो गया उसके बाद में 15 हो गया, लेकिन ये सब पर्पजली किया जा रहा है। अभी आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि है, कि ये सोच समझ के सब किया जा रहा है, क्योंकि अगले 2-4 महीने में क्या होने वाला है वो पता है। लोगों के दिल में एक ये ख्याल चल रहा है कि उद्धव ठाकरे मुंब्रा आ रहे हैं, लेकिन शाखा उनके ताबे में है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे यहाँ आकर क्या करने वाले हैं, क्या शाखा को अपने ताबे में लेने वाले हैं यहाँ, और क्या आगे की रणनीति तैयार की जा रही है? रणनीति कुछ नहीं है, देखिए शाखा जो है, मैं कल जैसे इधर ही बताया था अपना भोलेनाथ मित्रमंडल में, भोले मित्रमंडल में, कि बाला साहब के विचार हमारे शाखा से ही जाता है ना, शाखा ही बाला साहब के विचार है। आज तक जो शिवसेना बढ़ी है पूरे महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर, वो शाखा में जो काम हो गया उसकी वजह से तो बढ़ी है ना। इसके लिए हमारे लिए शाखा बहुत महत्व की बात है, और ये जो अभी 4 दिन पहला 2 तारीख को जो हादसा किया है, ये सोच समझ के पर्पज लिए किया है। ये जो अभी देखिए मुंब्रा में आज तक वातावरण कभी ख़राब हुआ था क्या? नहीं हुआ, लेकिन ये उनका करने का कोशिश है। लेकिन हम लोग सहम रखते हैं, हमारे उद्धव जी है, हमारे थाना के नेता है, इधर के अपने आवाड़ साहब है, ये सब सेम ही लोग हैं। आज कल से आप देखते हो इधर क्या क्या किया गया, 144 का नोटिस दिया, सबको स्टेज मत बताओ, बनाओ, इसका परमिशन नहीं, उसका परमिशन नहीं, लेकिन हम लोग शिवसैनिक और हमारी महाविकास आघाड़ी खंभीर है। राजन किने ने पूरे शहर में बैनर लगाया कि शाखा जो है भाड़े से देकर पैसा वसूला जा रहा था, वो पैसा उद्धव ठाकरे तक जो है नहीं पहुँचा, संजय राउत को इसके लिए तकलीफ हुई, उन्होंने ट्वीट किया और थाने का पट्टे का जिक्र किया गया उसमें कि यहाँ पर लाया जा रहा है उद्धव ठाकरे को ज़बरदस्ती, मतलब एक कहे कि जो है उनको लाया जा रहा है। आप दिवाली के बैनर देखिए मुंब्रा में, राजन किने का फोटो किधर है, कौन से बैनर पे है? अजीत पवारगढ़ के जो बैनर है उधर उनका, उनके फोटो है ना, तो वो शिवसैनिक है क्या? ये कौन पूछना चाहिए, बराबर है ना? ये जो है सवाल कौन पूछना चाहिए? कोई शिवसैनिक पूछे तो बात है, लेकिन आपका मुंब्रा में ही बैनर जो लगे है उसमें राजन किने का फोटो पवारगढ़ के जो अपने अजीत पवार दादा के बैनर पे है, तो उनको क्या हक है? तो आगे क्या रहेगा आप लोगों की शाखा जैसे उनके कब्जे में है, तो क्या कानूनी प्रक्रिया क्या चल रही है आप लोगों की? चालू है, देखिए हम लोग सब पेपर जो लगते हैं, अभी मैं इधर ओपन नहीं करूँगा, उसके पीछे हूँ, हम लोग है सब जो है कानूनी तौर से करेंगे, जरूर करेंगे, और इसके बारे में जो कुछ भी डिसीजन है, जो शिवसेना का हमारा आज तक का पद्धत है, साहब उद्धव साहब पक्ष प्रमुख जो आदेश देंगे वो हिसाब से काम होगा। बबलू भाई, नरेश मस्के ने बयान दिया है कि एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता गली गली घूम रहे हैं, 500-500 रुपये में कार्यकर्ता इकट्ठा करके उद्धव ठाकरे के स्वागत में लेकर आने वाले हैं। उन आदाने लोग, उनको नहीं पता क्या मुंब्रा, कलवा मुंब्रा में राष्ट्रवादी का संगठन और महाविकास आघाड़ी का जो संगठन है इतना मजबूत है, जो लोग कर रहे ना वो आरोप हम पे लगाने की कोशिश कर रहे, ये शाखा नहीं टूटी है, ये बाला साहेब ठाकरे की और आनंद देवी साहब की ये मंदिर है, जो शाखा को एक आस्था बना जाता है, मंदिर के सब पूजा जाता है, उस पर निष्ठावंत कार्यकर्ता, निष्ठावंत शिवसैनिक उसमें बैठते हैं। वो शिवसेना शाखा को तोड़ा गया और उसमें लोगों का सिर्फ काम होता था समाजकरण, उसमें राजनीति नहीं होती थी, राजनीति होती थी वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त समाजकरण, लोगों राजनीति करने का आरोप जो है विधायक जितेंद्र भाट पर भी लग रहा है, तमाम एनसीपी के लोगों पर लग रहा है, जो शरद पवार गुट के, कि जब शाखा टूट रहा था तो उस वक्त
महाविकास अघाड़ी की बात कहकर आप लोग सामने नहीं आए शाखा को बचाने के लिए। जब शाखा टूट गया उसके बाद एक जो है षड्यंत्र करके जो है यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का नाम देके अब उद्धव ठाकरे को बुला के मुमरा में एक राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। शाखा आज तो नहीं बनी थी, शाखा का कम से कम 25 से 30 साल से वहाँ शाखा थी। तो जब कब्जा हो रहा था तो आप लोग क्यों नहीं गए वहाँ पर? अरे हमारी हम जाने को जो शिवसैनिक जो वहाँ बैठे थे उनको पकड़ के बाहर निकाला गया। इसलिए तो बोलना तो आप लोग क्यों नहीं गए? अरे वो काम तो प्रशासन, आज आप महाविकास अघाड़ी बोल के आ रहे ना, मंच बना रहे ना, उद्धव ठाकरे साहब को ला रहे ना मुमरा में, तो फिर उस समय क्यों नहीं गए आप लोग? प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपकी भी जिम्मेदारी थी? हमारी जिम्मेदारी है, हम हमारे शिवसैनिक जो महाविकास अघाड़ी के जितने शिवसैनिक कटनिष्ठावन कार्यकर्ता है उनके हम साथ दे रहे और उनके साथ तो उस वक्त साथ क्यों नहीं दिए? अरे उस वक्त साथ क्यों नहीं दिए जिस वक्त उद्धव साहब ठाकरे के कार्यकर्ता वहाँ अकेले थे, तो फिर उस वक्त साथ क्यों नहीं दिए आप लोग? अरे कार्यकर्ता उस टाइम जब वहाँ थे, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था उस टाइम पे? जिस टाइम पे शाखा पे कब्जा हुआ, एक मिनट आपका ही सवाल, उस टाइम पे कब्जा हुआ तो वो लोग बोले कि हम शाखा पे बैठेंगे, हम शाखा पे काम करेंगे। उसके बाद में अंधेरे के आड़ में आप शाखा तोड़ेंगे? अंधेरे के आड़ में नहीं, कब्जा किए हाथ पकड़ के निकाला गया ना, कब्जा किया हाथ पकड़ के निकाला गया, उसको कब्जा नहीं बोलते कि गुंडों के जैसा आना। और दो लोग वहाँ पे बैठे थे, दो लोगों की बहुमत और 100 लोगों की बहुमत में फर्क है, ठीक है? वहाँ पे आपकी जीत हुई, लेकिन हम क्यों चुप बैठे के? ठीक है आप बैठने वाले, आज नहीं तो कल हम बैठ के बात करेंगे। आपने आना चाहिए इन लोगों की, नहीं आना चाहिए? आए वो लोग, आए आए कब आए? दूसरे दिन आए वो लोग सुबह में, क्योंकि रात के अंधेरे में तुमने शाखा तोड़ी है, रात के अंधेरे में शाखा दूसरे दिन शाम में तोड़ा, रात को तोड़ी गई अंधेरे में। अगर नहीं टूटती तो उसका भी जवाब आपको मिलता था, इतना आपको शाखा को इतना आनंद फानंद में तोड़ा क्यों गया, किस चीज़ का डर था? तो आपको बोलते हो ना कि हम बाला साहब ठाकरे के अनुयायी है, आनंद देगे साहब के अनुयायी है, उनकी शाखा थी ना, तोड़े क्यों आपने? शाखा को रखना देता था, रखने देते थे, उसमें शाखा के जो अनुयायी है, शाखा प्रमुख थे, उनके जो कार्यकर्ता थे वही बैठते थे, आप भी उसमें बैठते थे, आप आनंद फानंद में उनका ऐसा कहना था कि शाखा जो है पीछे के तरफ करके आपको, आपने शाखा को गिराया, आपने ताकत का बल का दुरुपयोग किया, आपने आपकी सत्ता है सत्ता का ताकत का उपयोग करके आपने शाखा को गिराया। आज का जो निष्ठावंत उद्धव साहब ठाकरे का निष्ठावंत कार्यकर्ता है ये कहीं इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आने वाले वक्त अभी जो आ रहे उस पर आपको कार्यकर्ता जो जमेंगे उसके आपको जो लोगों कार्यकर्ताओं के दिलों में रोष जो गुस्सा है वो आपको दिखेगा। और आगे जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर तो उद्धव साहब का मंच लगेगा, लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन शाखा की बात हो रही है कि शाखा कैसे क्या होगा, क्या वाकई शिंदे गुट के पास रहेगा या उद्धव ठाकरे साहब के पास आएगा? देखो अभी वो उनके उद्धव साहब ठाकरे आने प्रसाद ठाकरे आने के बाद मुमरा में लाने का मकसद वही तो है। नहीं, वो उनके शाखा के ऊपर आके वो शाखा के जितने कार्यकर्ता हैं उनको मनोबल उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उद्धव साहब ठाकरे, देखो पूरे महाराष्ट्र में जिन जिन शाखाओं पे कब्जा किया गया वहाँ कहीं वो नहीं आए, थाना भी हुआ, मगर मुमरा में शाखा को कब्जा करने के बाद शाखा जो आस्था है जो मंदिर के साथ पूजा जाता है वो शाखा को तोड़ा गया, इसीलिए उद्धव ठाकरे साहब यहाँ आ रहे और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आ रहे, वो महाविकास अघाड़ी का मनोबल बढ़ाने के लिए। शिंदे गुट के तरफ से कहा जा रहा है इसलिए तोड़ा गया कि इसे और बेहतर और अच्छे तरीके से बनाया जाए, क्योंकि इसके पहले जो थे उन्होंने इसे भाड़े पे चला रहे थे, कई सीमेंट वाला पीछे तो लादी वाला आगे तो गैरेज वाला बाजू में है, सर्विस सेंटर वाला सामने में है। अभी सत्ता उनके हाथ में है, चलते ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी वो जो भी कुछ बोले वो आपको तो लगेगा वही आप चलाओगे, प्रिंट मीडिया भी वैसी जो वो जैसा बोल रहे उसी चला रहे, मगर हकीकत दूसरी कुछ और है। वहाँ कार्यकर्ता बैठते थे और लोगों का समाजकरण, क्या है बताइए, हकीकत यही थी कि लोगों का वहाँ समाजकरण, लोगों का वहाँ काम किया जाता था। किसका काम हुआ, एक भी बताइए किसका काम हुआ, जो भी है अभी हम तो वहाँ राष्ट्रपति वाले वहाँ गए नहीं, मगर जो भी वहाँ के कार्यकर्ता शिंदे गुट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुमरा कौसा के तमाम मुसलमान शिंदे गुट के कार्यालय में जाकर, उधर जो शाखा है उसकी ओपनिंग होगी वहाँ पर जाकर वो अपना काम करा लेंगे, तो जो ठाणे के हैं उनके यहाँ बंगले पे कौन जाएगा? सब तो वहाँ चले जाएंगे, फिर बंगले पे कोई नहीं जाएगा, क्या करेंगे फिर आप? देखो बात बनाने के लिए बहुत कुछ है,
बात बोलने के लिए बहुत कुछ है। लोगों का काम होना ही सब सब में पहली वो है। लोगों के काम हो रहे, लोग कोई जिसको घुमा फिरा के कौन सा काम, अरे तो आप आपको नहीं दिख रहा तो हम क्या करें? आप काला चश्मा उतारो, मैं तो बोलता ये चश्मा है ये पहन लो उतार लो आपको दिखेगा। ये चश्मा आपके विकास का है जो आपको ही नजर आता है। नहीं नहीं नहीं, ये विकास नहीं, ये आपको दिखाओ ये आपको दिखेगा लोगों का। ये जो आप रोड पे करे, जो रोड वाइंडिंग हुआ है ना, ये रोड थाने महानगर पालिका से कमिश्नर साहब से निवेदन करके जो निधि ला के काम किया गया रोड वाइंडिंग का, ये काम भी एक काम ही रोड वाइंडिंग में जो काम हुए हैं, मित्तल रोड हुआ है, फिर मित्तल का रोड बदले जाए, मुमरा स्टेशन बोले जाए, चौड़ा कर दिए ना, मुमरा का रख किए ना, क्यों नहीं किया? हॉकर को बिठा दिया ऐसे कि तैसे कर दिए, हॉकर को बिठाए नहीं है वो, जब हॉकर जोन जब बनेगा रोड की सत्यानाश कर दिए, बता दिए 90 फीट रोड बना दिया, 40 फीट में हॉकर बैठ गए, आप सब कुछ बोल रहे हैं, ये बात ऐसी नहीं है। ऑकर्स और उनका जो बनेगा वो ऑकर्स के जितने ऑकर्स है उनको शिफ्ट किया जाएगा। चश्मा लगाओ, मैं चश्मा लगा के ही बात करूंगा। चश्मा लगाओ अपना, जरा ऑकर्स जोन दिखाओ। जिन लोगों ने कब्जा किया, आप चश्मा लगाओ, बात करो, ऐसा लग रहा है कि आप सवारी लेके शाखा नहीं आए, ऐसा लग रहा है। आपने मुझे बोला, आपने मुझे बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सवाल तो पूछ रहा हूँ ना मैं, बात पूछता है एक 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 करके बात करो, एक 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 करके बात करो, एक 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 करके बात करो, सवाल पूछो, आप जनता की तरफ से आपके कुछ सवाल रहेंगे तो पूछो, बाकी और किसी और के सवाल लाके यहाँ पूछेंगे तो ये जगह नहीं है। मेरे सवाल मेरे अपने हैं। अगर ठीक है रोड, एक मिनट सुनिए, अगर आपको ये सवाल है सुनिए ना, रोड चौड़ा हुआ, रोड चौड़ा हुआ, हाँ बोलिए, उसमें सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को, आपको मिली, मिलनी चाहिए, खड़े मिलनी चाहिए, आप कहाँ खड़े हो, इतना बड़ा स्टेट लग रहा है, आप कहाँ खड़े हो, आज आप खड़े हो, ये पानी मोटा विभाग है, यहाँ पर टेम्पो खड़ा रहता है, टैंकर पानी का, कल तक आपने आप पत्रकार हो, यहाँ पर पानी का टैंकर खड़ा रहता है, कल तक आपने ये बात बोली, आप पत्रकार हो, कल तक क्या, आज तक हम हर बात बोलते हैं, हम हर बात बोलते हैं, हम हर बात बोलते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल पे भी बोलते हैं, अभी मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ क्या करेंगे, चलेंगे आपके साथ भी चलेंगे, इलीगल बिल्डिंग और भी चलेंगे, जहाँ है वहाँ बताओ कि वहाँ चलेंगे, सुपारी नहीं, सुपारी नहीं, आपको लगता है सुपारी, मुझे तो लग रहा है आप भी सुपारी लिए हैं, मुझे लग रहा है आप सुपारी लिए हैं, लगता नहीं मुमरा का विकास हुआ है, मैं पूछता हूँ, एक मिनट मैं पूछता हूँ, मुमरा का विकास आपको क्या चाहिए, 2009 के पहले मुमरा क्या था बताओ, 8-8 घंटा लाइट जाती थी, सुनो मैं बताता हूँ आपको, 8-8 घंटा लाइट जाती थी, 8-8 घंटा लाइट जाती थी, सुनो टोरेंट से, लोग टोरेंट से परेशान है, नहीं सुनो टोरेंट का, सुनो टोरेंट से परेशान है कि नहीं, लोग टोरेंट से परेशान है या नहीं, टोरेंट से परेशान है या नहीं, टोरेंट से परेशान है नहीं, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, टोरेंट से परेशान है नहीं, लाइट आ रही है जा रही है नहीं, लोग टोरेंट से खफा है या नहीं, टोरेंट मुमरा में ही है, कलवा में, मैं क्या बोल रहा हूँ, टोरेंट टोरेंट से लोग परेशान है या नहीं, टोरेंट से परेशान है, में भी टोरेंट है, तो फिर आप लोग टोरेंट का विरोध क्यों कर रहे हैं, आप लोग टोरेंट का विरोध कर रहे हैं, एक बार आप टोरेंट का विरोध करेंगे फिर एक बार टोरेंट के सपोर्ट में आ जाएंगे, अभी आप टोरेंट के लिए आए हो, अभी क्या बात कर रहे हो, उसकी बात करो, मैं आप पूछते हो विकास नहीं हुआ, नहीं ठीक, आप कैसे बात कर रहे हो, शाखा इनकी लूटी गई है, शाखा इनकी लूटी गई है, इनसे
पूछो अंदर खासदार नहीं है, ये तुमको पूछना है, ये तुमको पूछना है, अंदर खासदार को पूछना है क्या रोड हो गया कि नहीं हो गया। शाखा तोड़ता है वो गद्दार लोग है, शाखा जिस शाखे में जो बैठता है। आज आनंद के साहब वहाँ पर बैठा था, वो आनंद के साहब को इन लोग मारा है और बाला साहब का फोटो लगा के उनको फाड़ रहा है, वो गलत है। ये निष्ठावन का शिवसैनिक है, ये आमदार खासदार, ये रोड बनाओ वो बनाओ, ये आमदार खासदार नहीं है। आवाज कुना था शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। साइलेंट में हाँ भाई बोलो, बस 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 हो गया बस करो, हो गया सर, हो गया बस कुछ। आपने सुना कि इस तरह से यहाँ पर आज जो है एनसीपी और भाई हम ना किसी से डरते हैं ना कंट्रोल करते हैं, जो है वही रहेगा। एक सेकंड आपने सुना जो बोल रहे थे 6 महीना हो गया तोड़ने के लिए बराबर, इधर पे 6 महीने से कितने टाइम से कलेक्ट अपना ये इसका अपना काम चल रहा है बिल्डिंग का अनलीगल का, तो तभी आपने ये सवाल जवाब तो पूछे नहीं है ना विधायक साहब है ना, आपने पूछे नहीं, अभी आपने पूछे क्या उसका 6 माला विधायक ने उसका 6 माला विधायक ने अगर विधायक काम करते ना तो फिर इलीगल भी बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ी उदाहरण है कि काम नहीं कर रहे हैं। पानी पी लो, यहाँ पर एनसीपी और जो है उद्धव ठाकरे के तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आज उद्धव ठाकरे आने वाले हैं और उसके कारण यहाँ पर इकट्ठा हुए।